हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। खरीद से पहले मंडी प्रशासन ने दावा किया था कि वो किसानों की फसल रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मंडी में किसानों ने गेहूं और सरसों की फसल रखनी शुरू कर दी, लेकिन जब बेमौसम बारिश आई तो प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। प्रदेश के कई हिस्सों में बीती रात हुई बारिश ने मंडी प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। मंडी में अनाज की देखरेख का दावा करने वाले प्रशासन के दावों की हकीकत उस वक्त हवाई होती दिखी जब मंडी में रखा गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया। प्रदेश से आई कुछ तस्वीरों के जरिए आपको प्रदेश की अनाज मंडी के प्रशासन के दावों की हकीकत से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उकलाना मंडी की। तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां अनाज को लेकर कितनी लापरवाही बरती गई। खुले आसमान के नीचे रखे गेहूं को ढकने के लिए शेड या तिरपाल तक की व्यवस्था नहीं की थी, जिसके चलते बेमौसम हुई बारिश ने मंडी में रखे गेहूं के बोरे पूरी तरह से भीग गए। किसानों के खून पसीने की मेहनत जरा सी लापरवाही के चलते पानी पानी हो गई। मंडियों में भीग रहा गेहूं इस बात का सबूत है कि प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ मंडी में हजारों टन गेहूं भीग रहा है। ऐसा गेहूं जो खुले में पड़ा है और उसके अलावा कुछ बैगों में जो पैक हो चुका है वो बाहर रखने के कारण भीग रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि मौसम खराब होगा और बारिश आ सकती है। ऐसे में प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए जाने थे, लेकिन वो नहीं कर पाया, जिसके दावों की पोल यहाँ पर खुल रही है। ये गेहूं किसान का है, ये गेहूं आढ़ती का है, या ये गेहूं सरकार ने खरीद लिया, इसके बारे में भी प्रशासन से जानकारी ली जाएगी। लेकिन गेहूं भीगना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। गेहूं चाहे आढ़ती का हो, चाहे किसान का हो, या सरकार ने खरीद लिया हो, लेकिन उसके लिए पुख्ता प्रबंध किए जाने जरूरी थे। मौसम विभाग द्वारा पहले से जानकारी दिए जाने के बाद भी आप देख सकते हैं हजारों टन गेहूं मंडियों में भीग रहा है, जो प्रशासन का ढुल मुल रवैये को सामने लाकर रख देता है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यह उठता है कि प्रशासन को जब पहले से इस चीज का पता चल गया था कि मौसम खराब होने वाला है और बारिश आने वाली है, तो इस गेहूं के भीगने से बचाने का प्रबंध किया जाना चाहिए था। यहाँ पर यह अपना में बहुत बड़ा सवाल है, क्या सरकार इस पर संज्ञान लेगी? अगर ये गेहूं किसानों का है तो क्या उसकी भरपाई की जाएगी? आढ़तियों का है तो क्या उसकी भरपाई की जाएगी? और सरकार का है तो भी क्यों भीगा? इसके लिए विशेष प्रबंध किए जाने चाहिए थे। अपने सहयोगी जगदीप के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, उकलाना। अब आपको फतेहाबाद की तस्वीर भी दिखा देते हैं। फतेहाबाद में देर रात हुई बेमौसम तेज बारिश के चलते अनाज मंडी में खुले में रखा गेहूं बुरी तरह से भीग गया। सड़क पर पानी ही पानी हो जाने के चलते गेहूं की बोरियां पानी में पड़ी दिखी। गेहूं को ढकने के लिए यहां भी तिरपाल की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते खुले में रखा गेहूं बारिश में भीगता रहा। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं कर रहा, साथ ही अपनी मनमानी कर रहा है। फतेहाबाद व्यापार मंडल के सचिव रमेश तनेजा ने बताया कि मंडी में गेहूं का उठान काफी धीमी गति से हो रहा है, जिसके चलते ये समस्या पैदा हुई। तो वहीं दूसरी तरफ मंडी में पानी निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वो जो बारिश आई है इसमें बहुत नुकसान है। जो रोडों के ऊपर पानी जाम हो जाता है, पानी खड़ा हो जाता है, उससे नीचे बोरियां खराब होती हैं। अब वो ढंगे भरा रहे हैं, आड़ती क्या क्या करके देगा सरकार को। एक तो सरकार अपनी मनमानी कर रही है, आगे अनलोडिंग की समस्या सबसे ज्यादा है और गाड़ियां भरी खड़ी हैं, आगे अनलोडिंग नहीं हो रही है। 20,000 गट्टे से ज्यादा गट्टा नहीं उठ रहा, 20,000 गट्टे से ज्यादा गट्टा नहीं उठ रहा। अपनी अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं है। आरती की कहीं भी सुनाई ना सरकार के पास है और ना ही हमारी प्रशासन के। सिवानी की अनाज मंडी का भी यही हाल है, जहां मंडी में रखी हजारों क्विंटल सरसों बारिश के पानी में भीग गई। देर रात हुई बारिश से अनाज मंडी सिवानी में करीब 2 से 2.5 फुट तक पानी भर गया। मंडी में रखी सैकड़ों क्विंटल सरसों की फसल जलमग्न हो गई। मंडी में ना ही तो शेड की व्यवस्था थी और ना ही सरसों से भरे हुए कट्टे क्रेट पर रखे हुए हैं। किसानों का कहना है कि मंडी प्रशासन की लापरवाही के चलते मंडी में रखी सरसों बारिश की भेंट चढ़ गई। जब इस मामले में खरीद एजेंसी के अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मंडी में शेड की व्यवस्था नहीं है और ना ही क्रेट की कोई व्यवस्था है, जिसके चलते अचानक हुई बारिश में सरसों पानी पानी हो गई। अब ये गेहूं और सरसों किसानों की हो, आढ़तियों की हो, या फिर खरीद ली गई हो,
सभी सूरतों में फसल का काफी नुकसान हुआ है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इससे क्या सीख लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।